गरीब की दावत। सोनपुर गांव एक खूबसूरत गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जो गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। गांव जितना सुंदर था, गांव के लोग भी उतने ही अच्छे थे। सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते। लेकिन इस गांव में 4-5 मुस्लिम घर भी थे, बाकी के घर हिंदुओं के थे। एक रोज गोपाल अपनी साइकिल लिए करीम के पास जाता है, और करीम के गांव में पंचर की दुकान थी। अरे करीम भाई, थोड़ा साइकिल देख दो। आज सुबह सुबह काम पर निकल रहा था तो देखा साइकिल पंचर हो गई। अरे गोपाल भाई, आओ आओ बैठो, अभी देखता हूँ साइकिल। वैसे आजकल तो आपका रमजान चल रहा है ना, तो अभी से शाम तक आप भूखे रहोगे क्या? भूखा तो हमेशा ही रहता हूँ, बस जब मिल जाए और जो मिल जाए उसी में गुजारा कर लेता हूँ। अरे करीम भाई, आपको भी कितनी बार कहा है मैंने, ये दुकान चलाकर आप कितना ही कमा लेंगे, आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, रमजान की खत्म होते ही शहर जाऊँ और कोई अच्छा सा काम ढूंढूं। लेकिन फिर सोचता हूँ यहाँ मेरी बीवी बच्चे अकेले कैसे रहेंगे। हाँ करीम भाई, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, और कितना समय लगेगा इसे बनाने में, कहीं मैं काम पर पहुँचने में लेट ना हो जाऊँ। गाँव का करीम बेहद ही गरीब था, और वो गाँव में ही एक साइकिल पंचर बनाने की दुकान से अपने घर परिवार का पेट पाल रहा था। करीम गोपाल की साइकिल का टायर लिए हाथ में गोपाल से कहता है, इसमें तो समय लग जाएगा गोपाल भाई, इससे अच्छा है आज आप पैदल ही निकल जाओ, वरना आपको लेट हो जाएगा। अरे ये साइकिल भी बड़ी मुसीबत है, हर 2 दिन में खराब हो जाती है। गोपाल के जाने के बाद ही करीम अब खुद शाम की इफ्तारी के बारे में सोचने लगता है। शाम के इफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही होगा, वरना तो रमजान की पहली इफ्तारी खाली ही जाने वाली है। मैं तो जैसे भी रह लूंगा, लेकिन मुझे मेरे बीवी बच्चों की चिंता हो रही है। करीम ये सोच ही रहा था कि तभी करीम को आवाज लगाता हुआ रहमान आता है, जिसकी करीम के दुकान के बगल में ही फल और जूस की दुकान थी, और वो करीम से कहता है, रमजान के पाक महीने के पहले दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद करीम भाईजान, और सब बढ़िया? आपको भी रमजान मुबारक रहमान भाईजान, सब बढ़िया है, बस काम में लगा हुआ था। शाम की इबादत के बआद इफ्तारी भी तो करनी है ना? हाँ हाँ, मैं भी शाम में जल्दी ही दुकान बढ़ा दूंगा, पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद थकावट भी तो जल्दी होती है ना। अब देर शाम गांव में जितने भी मुस्लिम लोगों की दुकान थी वो सभी बंद हो जाती है, और पूरे दिन भूखे रहने के बाद इफ्तारी का वक्त आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल अपनी साइकिल लेने जब करीम की दुकान पर आता है तो करीम की दुकान बंद होती है। वो लौटकर घर आ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में गोपाल को करीम मिल जाता है। अरे करीम भाई, मैं आपकी दुकान गया था लेकिन दुकान तो बंद है, मुझे मेरी साइकिल लेनी थी, क्या मेरी साइकिल बन चुकी? अभी तो मेरे इफ्तारी का वक्त हो चुका है, और मैं इफ्तारी के लिए अपने बच्चों के लिए फल लेने आया था, थोड़ी देर में आकर मैं आपकी साइकिल देता हूँ। करीम भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सुबह आकर अपनी साइकिल ले जाऊंगा, आप तसल्ली से इफ्तारी कीजिए, वैसे रमजान मुबारक करीम भाई। अब करीम इफ्तारी के लिए फल लेकर घर पहुंचता है, और थोड़े से फल देखकर करीम की पत्नी शबाना करीम से कहती है, अरे ये क्या, आप 2 केले ले आए और थोड़े से सेब और थोड़े से अंगूर लेकर आए हो, लेकिन इसमें तो बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा, अरे क्या खाएंगे बच्चे? कोई बात नहीं, मुझे रहमान भाई ने इफ्तारी पर बुलाया है, तुम और बच्चे ये खा लो। अरे देखिए, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, और ये गलत बात है। कभी तो विश्वास कर लिया करो, चलो तुम खाओ, रहमान भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। करीम इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और सीधे अपनी दुकान पर पहुँच कर अपनी दुकान खोल कर बैठ जाता है और गहरी सोच में होता है, या अल्लाह, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तुम मुझ गरीब से, पाक के इस पावन महीने में इफ्तारी में खाने को भी तरस रहा है तेरा बंदा, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। करीम उदास था और वो अपनी दुकान पर साइकिल का पंचर बनाने में लगा होता है। तभी वहाँ से गुजर रहा श्याम करीम को दुकान पर देखकर करीम के पास आता है और करीम से कहता है, रमजान की ढेरों मुबारकबाद करीम भाई, लेकिन ये क्या, आप अब भी अपनी दुकान पर है, आपके तो इफ्तारी का समय हो चुका है, आपके बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप घर जाइए। अरे श्याम भाई,
मैं तो इफ्तारी करके अभी लौट रहा हूँ। थोड़ा काम था तो सोचा अभी सोने से अच्छा यही है कि जो काम बचा है उसे पूरा किया जाए। अच्छा, मुझे लगा ही आपने इफ्तारी ही नहीं की। और सब अच्छा है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है श्याम भाई। करीम को अच्छा लगता है कि श्याम को ये पता है कि उनका रोजा चल रहा है और इफ्तारी का समय भी शाम में होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शबाना गांव की ही कुंती के घर पहुंचती है, जो बाजार में फल की दुकान लगाया करती थी। कुंती काकी, मुझे कुछ फल मिल सकते हैं क्या? वो क्या है ना, अभी तक मैं इनके पैसे दे नहीं पाऊंगी, लेकिन कल शाम तक ये पैसे दे दूंगी। क्या, ऐसे कैसे फल दे दूं तुझे? तेरा पति कमाता है ना, तो उसी से पैसे ला कर दे। आ गई उधार लेने, वो भी शाम के समय। चल निकल यहाँ से। शाम के समय सर खाने के लिए मैं ही मिली क्या? ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। काकी, मेरे बच्चों ने तो जैसे तैसे इफ्तारी कर ली है, लेकिन मेरा मर्द पूरे दिन का भूखा है। और जब इफ्तारी का समय हुआ तो उन्होंने बच्चे और मेरे लिए फल ला कर रख दिए, लेकिन खुद दुकान पर पंचर बनाने बैठे हुए हैं। अरे जाती है या तुझे भी भगाने के लिए तेरे पीछे कुत्ते छोड़ू? बढ़िया सिद्धे किस्म की औरत। फल वाली से इतने कटु वचन सुनने के बाद शबाना आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। ये सब पास खड़ा गोपाल सुन लेता है और वो अब उस फल वाली से फल खरीद कर करीम की दुकान पर पहुंच जाता है। करीम भाई, ये फल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, आज घर में पूजा थी, इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। अरे क्या बात है, लाओ, मुझे इसकी ही जरूरत थी। मेरा मतलब ये मैं खा लूंगा। क्या बात है करीम भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? कोई बात? अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बता सकते हो। गोपाल भाई, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि इस दुकान से घर का खर्चा निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पर आज तो मेरे पास इफ्तारी के लिए फल तक नहीं थे, वो तो अब आप लेकर आए, तो इसे ही मैं खाकर अपनी इफ्तारी पूरी करूंगा। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। मैं आपके लिए कहीं अच्छी सी जगह काम देखता हूँ, आप चिंता मत करो। ये तो रोज का है मेरा, कभी खाने के लिए पैसे हो जाते हैं तो कभी भूखे ही सोना पड़ता है। और तो और, अब तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मैं आखिर सरपंच जी को दावत पे क्या खिलाऊंगा। अभी अभी उन्होंने कहा कि वो सह परिवार मेरे घर इफ्तारी पर आ रहे हैं। यहाँ तो मेरे परिवार का भी मैं ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, उनका कहाँ से भरूंगा। करीम भाई, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए ये खा लीजिए, तो अभी मैं चलता हूँ, माँ की दवा लेने जा रहा था। अब करीम घर जाता है तो अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। और आज तो मुझे गोपाल ने फल दिए खाने को, वरना तो मुझे चक्कर आने लगे थे। वो तो भला हो ऊपर वाले का। गोपाल ने आपको फल दिए? इसका मतलब गोपाल ने मेरी सारी बातें सुन ली थी और तभी वो आपके पास फल लेकर पहुंचा। गोपाल भी कितना नेक बंदा है खुदा का। अब शबाना फल वाली कुंती की बात करीम को बताती है और करीम भी गोपाल को दिल से दुआ देता है। अब अगला रोज करीम का टेंशन में ही गुजरता है कि आखिर कहां से वो इफ्तारी पर सरपंच जी और उनके परिवार के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करेगा। और देर शाम जब करीम घर पहुंचता है तो वो देखता है कि गांव के सरपंच जी तो करीम के बच्चों के साथ खेल रहे थे। अरे करीम, तुम आ गए, चलो इफ्तारी का समय हो चुका है, सब साथ में बैठकर इफ्तारी करेंगे। लेकिन सरपंच जी, आज का दिन तो कल से भी बुरा है, आज तो मैं फल भी नहीं ला पाया इफ्तारी के लिए। अरे शबाना बहू ने पहले से ही इतने लजीज पकवान बनाकर रखे हैं, और तू है कि ये कह रहा है कि तुम्हारे पास हमें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब कहाँ से आया शबाना? ये सब श्याम भाई साहब देकर गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक रोजा है तब तक गांव के हर एक घर से आपके लिए इफ्तारी पर खाना आएगा। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम इतने अच्छे लोगों के बीच में हैं। या अल्लाह, आपने भी इंसानों के बीच फरिश्ते बना रखे हैं। जब ये बात गांव में रह रहे चार पांच मुस्लिम परिवारों को पता चलती है तो वो भी वीरपुर गांव में रहने पर गर्व करते हैं। और गांव के सभी हिंदू परिवार के घर से हर दिन करीम के घर सब्जी, चावल, दूध, फल, ये सब आ रहा था। और इस तरह करीम के इस मुश्किल घड़ी में गाँव वाले उसका मिलकर साथ देते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी के साथ
हमें कमेंट करके अपने सुझाव बताना ना भूले। अमीर और गरीब की ईद। शेखपुरा गांव में दो भाई रहते थे, फैजल और हनीफ, और इनके पड़ोसी थे अब्दुल और हमीद। चारों लोगों में आपसी भाईचारा था। अरे फैजल, अली कहाँ है? कहाँ होगा, खेल रहा होगा यहीं कहीं। अली, अली! नन्हा अली दौड़ता हुआ आया। जी अब्बू। हामिद चाचा बुला रहे हैं तुझे। जी चाचू। हमीद ने अली के हाथ में एक खिलौना रख दिया। इसी गाड़ी की जिद कर रहा था ना उस दिन। अली खिलौना मिलने पर बहुत खुश था। अरे तुझे ये खरीदने की क्या जरूरत थी, बच्चे तो जिद करते ही हैं। करने दे, मेरा भी तो भतीजा है, उसकी जिद नहीं पूरी करूंगा तो किसकी करूंगा। फैजल और हनीफ मिलकर बाजार में एक चिकन शॉप चलाते हैं। ये चिकन शॉप उनके अब्बा की थी। अब्बा के गुजरने के बाद दोनों भाई मिलकर ही दुकान संभालते थे। भाईजान, आप घर जाकर आराम कर लीजिए, आज वैसे भी ग्राहक कम है। अरे नहीं, मैं भी यही रहता हूँ, तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे नहीं भाईजान, आप घर जाइए, वैसे भी अली घूमने की जिद कर रहा था, आज वक्त है तो आप भाभी और अली को घुमा आइए, मैं दुकान संभाल लूंगा। ये भी सही रहेगा, वैसे भी अली ने नाक में दम कर रखा है। फैजल और हनीफ दुकान का काम आपस में बांट लेते थे। फैजल की शादी को 6 साल हो चुके थे। उनकी बेगम अमीना बहुत अच्छी और समझदार थी। वो सबको अपना परिवार मानती थी और जब भी वो कुछ अच्छा बनाती तो सबको बुलाया करती थी। जैसे आज उसने बिरयानी पकाई थी। वाह भाभी, आपके हाथ का ज्यादा कमाल है, मुझे नहीं लगता कि भाभी से अच्छी बिरयानी कोई बनाता है। अच्छा मियाँ, आप लोगों का निकाह हो जाएगा ना, तो आपको अपनी बेगम का जायका ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अमीना सब सिखा देगी। अब तक हर रमजान सब एक साथ मिलकर मनाते थे, सभी लोग बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद हनीफ का निकाह हो गया रुखसाना के साथ। रुखसाना सूरत से तो बहुत भोली थी, पर सीरत से बहुत बुरी। पूरे परिवार में इतनी शांति थी, ये उससे देखी नहीं जा रही थी। ये मेरे शौहर लगता है जिंदगी भर अपने भाई जान की जी हुजूरी करते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे हमेशा भाभी जान की हर बात माननी पड़ेगी, लेकिन मुझसे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। और इसके बाद रुखसाना ने अपने कारनामे शुरू कर दिए। शुरू शुरू में तो वो अमीना का बनाया हुआ खाना बिगाड़ने लगी। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची, अमीना इतनी मिर्ची क्यों डाली? रुखसाना ने फैजल को पानी का ग्लास दिया। मैंने तो मिर्ची बराबर डाली थी, शायद गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। रुखसाना हर काम में कुछ न कुछ रोड़ा डाल ही देती थी। कभी खाना खराब कर देती तो कभी चाबियां छुपा देती। मेरे दुकान की चाबियां कहाँ हैं? वहीं तो रखी थी। कहाँ हैं? कब से ढूंढ रहा हूँ, आजकल तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर रही हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तभी रुखसाना चाबी लेकर आई। भाईजान ये लीजिए, चाबियां आपके कुर्ते में ही थी, अभी कपड़े धोते हुए मिली। फैजल ने अमीना को गुस्से में देखा और वहां से निकल गया। और वो यहां रात को हनीफ के भी कान भरने लगी। आज भाभी ने सोने के कंगन लिए। अच्छा है ना, एक दो महीने में तुम्हें भी दिलवा दूंगा। पिछले महीने भी तो भाभी ने अंगूठी ली थी। ऐसा? लेकिन पिछले महीने तो अच्छा मुनाफा नहीं हुआ था हमारे कारोबार में। अब मुनाफा हुआ या नहीं हुआ ये तो भाईजान को ही पता होगा। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। रुखसाना ने हनीफ के मन में शक के बीज बो दिए। अगले कुछ महीने हनीफ ने अपने बड़े भाई पर नजर रखी। वो किसे पैसे देता है, किससे पैसे लेता है, हर चीज पर हनीफ का ध्यान था। हर रात रुखसाना हनीफ को भड़का रही थी।
तुम्हें भाईजान से सीधी सीधी बात कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारा हिस्सा भी खुद ही हड़प रहे हैं। ये तो गलत बात है ना? और अगले ही दिन हनी फैजल से लड़ने लगा। भाईजान, ये बहुत गलत किया आपने। मैंने क्या किया? आप हर महीने हिसाब में गड़बड़ करके कम मुनाफा बताते हैं और मुझे कम हिस्सा देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सब जानता हूँ, हर महीने भाभी के लिए सोना बना रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे वो सोना तेरी भाभी पैसे जोड़कर बनाती है। मुझे अब आपकी बातों पर यकीन नहीं। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, घर का भी और दुकान का भी। ये कैसी बातें कर रहा है हनीफ? यही सही रहेगा भाईजान। फैजल ने हनीफ को बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार ही नहीं था, और आखिरकार घर और दुकान का बंटवारा हो गया। अब दोनों भाई अलग अलग चिकन बेच रहे थे और हनीफ जानबूझकर दाम घटा देता। फैजल परेशान हो चुका था। एक दिन वो बाजार से लौट रहा था, उसके दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे और उसका ध्यान भटक गया और बीच सड़क पर उसे एक गाड़ी ने उड़ा दिया। अरे कोई मदद करो। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में फैजल का इलाज शुरू हुआ। इलाज और दवाइयां बहुत महंगी थी। अमीना और फैजल के बचत के सारे पैसे खर्च हो गए। यहाँ तक कि अमीना ने अपने गहने भी गिरवी रख दिए। हॉस्पिटल में हनीफ, हमीद और अब्दुल भी थे। वो लोग भी फैजल की ऐसी हालत देखकर परेशान थे। हमीद और अब्दुल ने भी कुछ पैसों की मदद की। भाभी ये पैसे रखिए, काम आएंगे। पर फैजल के सगे भाई ने कोई मदद नहीं की। अमीना को हनीफ से कोई गिला शिकवा भी नहीं था। वो अक्सर हॉस्पिटल आया करता था, इसी में अमीना खुश थी। लगभग एक महीने बाद फैजल घर आ गया, पर अब भी वो बेड रेस्ट पर था। फैजल के सारे कमाए हुए पैसे खत्म हो चुके थे, पर अब उनके घर में गरीबी छा गई थी। एक महीने से दुकान बंद है, ऐसे कैसे घर चलेगा? मुझे जल्द से जल्द दुकान खोलनी होगी। आपकी ऐसी हालत है, इसमें दुकान कैसे खोल सकते हैं? पर अमीना, कुछ दिनों में रमजान आ जाएगा, बिना पैसों के रमजान और ईद कैसे मनाएंगे? डॉक्टर ने एक महीना सख्त आराम करने को कहा है, अब वो तो मौला ही जाने। उनकी रहमत रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। फैजल को रमजान और ईद की फिक्र थी। रमजान शुरू हुआ। ये पहला रमजान था कि जब अमीना के पास इफ्तारी बनाने के लिए भी सामान नहीं था। माँ, आज आप फिरनी बनाएंगी ना? अमीना ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे आलू दिखे। नहीं बेटा, आज तो मैं तेरे लिए आलू के पकौड़े बनाऊंगी। और कबाब? वो कल बनाती हूँ। अमीना ने अली को तो बोल दिया, पर वो खुद नहीं जानती थी कि वो सामान कैसे खरीदेगी। वहीं दूसरी तरफ हनीफ के घर में पकवान आ रहे थे। खाने वाले बस दो लोग और इफ्तारी के लिए इतनी सारी चीजें। लेकिन हनीफ को अपने भाई भाभी की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो अपनी बेगम की बातों में आ चुका था। लेकिन अगले दिन हमीद और अब्दुल ढेर सारा इफ्तारी का सामान ले आए। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी भाईजान? हमीद और अब्दुल फैजल और अमीना की तंगी से वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, बिना बड़प्पन दिखाए। कुछ दिन बीत गए। अब्दुल और हमीद बातें कर रहे थे। हमें फैजल, भाभी और अली के लिए कपड़े और ईद का सामान खरीदना चाहिए। खरीदना तो मैं भी चाहता हूँ, पर लगता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा। शायद उन्हें ऐसा लगे कि हम अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीजें हनीफ के हाथों से देने लगते हैं। चीजें उन तक पहुंच भी जाएगी और हनीफ देगा तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। यही सही रहेगा। अब्दुल और हमीद सारा सामान लेकर हनीफ की दुकान पर गए। ये सब क्या है? ईद का सामान और कपड़े फैजल और भाभी के लिए। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब खरीदने की? जरूरत थी। फैजल मियाँ की दुकान दो महीनों से बंद है, इलाज में बहुत खर्चा भी हुआ है। अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं ईद मनाने के लिए। पर ईद तो खुशियाँ बांटने का ही त्योहार है ना,
और सच बोलूं ना हनीफ, तो ये सब तुझे करना चाहिए था। फैजल मियां हर ईद में सबसे पहले तेरे लिए कपड़े खरीदते थे और फिर अपने परिवार के लिए। वो सब एक दिखावा था। तेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी है, तुझे तो सब दिखावा ही लगता है हनीफ। खैर, तुझे समझाने नहीं आए हैं यहां हम। तो क्यों आए हो? तुझे हमारा एक काम करना है। ये सारा सामान तुझे खुद अपने हाथों से फैजल मियां और भाभी को देना है। तो तुम लोग खुद जाकर दे दो ना। वो हमसे नहीं लेंगे, पर तुझसे ले लेंगे। और क्या, तू हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? या अब ये करने के लिए भी बेगम से इजाजत लेगा? ठीक है, लाओ, देने में कौन सी बड़ी बात है। हनीफ भी हमीद और अब्दुल के साथ फैजल के घर पहुंचा। हनीफ को देखकर फैजल और अमीना बहुत खुश हुए। अरे हनीफ, आजा बेटा। हनीफ ने सारा सामान और कपड़े अपनी भाभी के हाथ में रख दिए। ये सब क्या है हनीफ? ईद के कपड़े और सामान। ये सुनते ही अमीना और फैजल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि तू हमें भूल चुका है, पर आज भी हम तुझे याद हैं। हर साल सबसे पहले तेरे लिए कपड़े लेता था और आज तू मेरे लिए कपड़े लाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। जीता रह बेटा। चाचू, मेरे भी कपड़े हैं क्या? अरे है ना छोटे मियाँ, तुम्हारे लिए तो हमने छोटे जूते भी खरीदे हैं। अरे वाह। अली अपना नया कुर्ता और जूते देखकर बहुत खुश था। फैजल और अमीना भी जज्बातों से भर गए थे। उन्होंने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि हनीफ उनके लिए ऐसा कुछ करेगा। दोनों हनीफ को दिल से दुआएं दे रहे थे। हनीफ, अल्लाह मियां तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अच्छा ये बता, बहू के लिए तूने कपड़े खरीदे? हनीफ ने नामे मुंडी हिलाई। या अल्लाह, अब तो उसे बहुत बुरा लगेगा कि पहले तुम हमारे लिए कपड़े ले आए। एक काम करो हनीफ, ये सूट तुम रुखसाना को दे दो। अमीना की बात सुनकर हनीफ को एहसास हुआ कि उसके भाई और भाभी कितने नेक दिल हैं। वो अपने से पहले रुखसाना की सोच रहे हैं और दूसरी ओर रुखसाना ने हनीफ के मन में इन सब के लिए जहर घोल दिया। भाभी, मैं उसे कपड़े दिलवा दूंगा, वो भी आज ही। ये आपके लिए है, आपने हमेशा सबसे पहले मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं, अब मेरी बारी, अब ये हक आपका है। ये सुनकर हमीद और अब्दुल भी खुश थे। हनीफ को अपनी गलती का सबक मिल चुका था, ये बहुत ही अच्छी बात थी। कुछ देर सब साथ बैठे और गप्पे मारे और फिर हमीद, अब्दुल और हनीफ वहाँ से निकल गए। घर से बाहर निकलते ही हनीफ ने अब्दुल और हमीद को गले लगा लिया। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम दोनों की वजह से मैं सच देख पाया हूँ। मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब भी वक्त है मियाँ, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। बिल्कुल सुधारूंगा। हनीफ ने घर पहुंचकर रुखसाना को बहुत डांटा। तुम्हारी वजह से मैं अपने भाईजान और भाभी से दूर हो गया। सही कहते हैं लोग, एक औरत घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मेरी भाभी ने जो घर बनाया था वो तूने बिगाड़ दिया। छी, शर्म आ रही है मुझे कि मैं तुझ जैसी औरत की बातों में आ गया। लानत है मुझ पर। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। हनीफ अपने किए पर शर्मिंदा था। वो तुरंत सुनार के पास गया और उसने भाभी के सारे गिरवी गहने छुड़वा लिए और ईद की सुबह हनीफ सेवैयां लेकर फैजल के घर पहुंचा। ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक बेटा। हनीफ ने अली को भी गले लगा लिया और भाभी से हाथ मिलाकर उनके हाथ में उनके सारे गहने रख दिए। ये क्या है हनीफ? ईद का तोहफा। ईद मुबारक भाभी जान। ईद के खुशी वाले मौके पर इस परिवार की खुशियाँ लौट आई। दो बिछड़े हुए भाई आपस में मिल गए। हनीफ के मन का मैल धुल गया और वो अपनी परिवार की अच्छाई से वापस रूबरू हो गया। ईद का त्योहार होता ही ऐसा नायाब है, बिछड़ों को मिला देता है और रिश्तों में खुशियाँ भर देता है। इसी तरह सभी की जिंदगी खुशियों से भर जाए। बस इस दुआ के साथ आप सबको ईद मुबारक।